दुखेड़ा से, जहां पर विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी का अजीबोगरीब बयान सामने आया। सड़क से उन्होंने अभिनेत्री हेमा मालिनी की तुलना कर दी। ड्रीम गर्ल के गालों की तरह चिकनी और सपाट बनेगी जबेरा की सड़कें। सड़क भूमि पूजन कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान विधायक पहुंचे थे और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे लेकर सुनकर अजीबोगरीब बयान सामने आया। देखिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। यहाँ पे कौन सी हीरोइन चल रही है? कैटरीना कैफ भी पुरानी हो गई है। जल्दी कर दो, गाँव के लोग इंतजार नहीं कर पा रहे। बेगाना कह रहा है की इंतहा हो गई इंतजार। हम रो रहे हेमा मालिनी की गाल की तरह चिकनी कर रहे। अब हेमा मालिनी को समय तो चलो वो तो जा अच्छी चिकनी रोड बने। यहाँ पे कौन सी हीरोइन चल रही है? कैटरीना कैफ भी पुरानी हो गई है। जल्दी कर दो, गाँव के लोग इंतजार नहीं कर पा रहे। बेगाना कह रहा है की इंतहा हो गई इंतजार की। हम रो रहे हेमा मालिनी की गाल की तरह चिकनी कर दे। अब हेमा मालिनी को समय तो चलो वो तो जा अच्छी चिकनी रोड बने। यहाँ पे कौन सी हीरोइन चल रही है? कैटरीना कैफ भी पुरानी हो गई है। जल्दी कर दो, गाँव के लोग इंतजार नहीं कर पा रहे। बेगाना तो सुना आपने क्या कुछ कहा विधायक महोदय ने। सड़क भूमि पूजन का कार्यक्रम चल रहा था और उस दौरान विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी का अजीबो गरीब बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अब इंतजार नहीं कर पा रहे। ग्रामीण ये कह रहे कि इंतजार इंतहा हो गई है इंतजार की। कौन सी हीरोइन चल रही है? हेमा मालिनी पुरानी हो गई है। कैटरीना कैफ का भी उन्होंने बातों बातों में जिक्र कर दिया। तो सड़क भूमि पूजन कार्यक्रम चल रहा था और विधायक महोदय कुछ इस तरह से बयान देते हुए नजर आए। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, महिलाएं वहां पर मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद हैं, बच्चे वहां पर मौजूद हैं और इस तरह से हंसी ठिठोली भरे मंच से चलती रही। तो ड्रीम गर्ल की गालों को लेकर उन्होंने जिक्र कर दिया है कि जबेरा की सड़कें कुछ इस तरह से बना देंगे जिस तरह से हेमा मालिनी के गाल चिकनी और सपाट हैं। तो विधायक का अजीबो गरीब बयान सामने आया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब हेमा मालिनी को इस तरह से अपमानित न किया गया हो। इसके पहले भी आपको याद होगा पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी बयान दिया था। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी हेमा मालिनी के गालों की तुलना सड़कों से की थी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे गुलाब राव पाटिल, वो भी आपको याद होगा, उन्होंने भी इस तरह से बयानबाजी की थी। हालांकि जब हेमा मालिनी से इस बाबत पूछा गया था तो उन्होंने कहा था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ठीक बात नहीं है। इस तरह से माननीयों के बिगड़ते हुए बोल जब सुनाई देते हैं तो तेंदुखेड़ा से विधायक का वीडियो वायरल हुआ है। हंसी ठिठोली यहां पर चलती हुई नजर आई। विधायक का अजीबो गरीब बयान सामने आया। धर्मेंद्र सिंह लोधी है इन विधायक का नाम, जिन्होंने इस तरह से अजीबो गरीब बयान दिया और सड़क से अभिनेत्री हेमा मालिनी की तुलना कर दी। ये कह दिया कि अब इंतजार नहीं करेंगे ग्राम वाले, इंतहा हो गई है इंतजार की, ये कह रहे हैं ग्रामीण। और अब जल्द से जल्द जबेरा की जो सड़कें हैं वो इस तरह से बनेंगी। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है विधायक जी ने। हो गई इंतजार। हम रो रहे हेमा मालिनी की गाल की तरह चिकनी कर दे। अब हेमा मालिनी को समय तो चलो वो तो जा अच्छी चिकनी रोड बने। यहाँ पे कौन सी हीरोइन चल रही है? कैटरीना कैफ भी पुरानी हो गई है। जल्दी कर दो, गाँव के लोग इंतजार नहीं कर पा रहे। बेगाना कह रहा है की इंतहा हो गई इंतजार की। हम रो रहे हेमा मालिनी की गाल की तरह चिकनी कर दे। अब हेमा मालिनी को समय तो चलो वो तो जा अच्छी चिकनी रोड बने। यहाँ पे कौन सी हीरोइन चल रही है? कैटरीना कैफ भी पुरानी हो गई है। जल्दी कर दो, गाँव के लोग इंतजार नहीं कर पा रहे। बेगाना कह रहा है की इंतहा हो गई इंतजार। हम रो रहे हेमा मालिनी। तो सुना आपने विधायक महोदय किस तरह से कहते हुए नजर आए हैं कि ग्रामीण वाले जो ग्राम के लोग हैं वो गाना गा रहे हैं कि इंतहा हो गई इंतजार की। तो कहते हुए नजर आए कि जल्दी से कर दो, सड़कें बना दो और हेमा मालिनी की गालों की तरह सपाट और चिकनी सड़कों को बना दो। तो तेंदुखेड़ा में इस तरह से भूमि पूजन कार्यक्रम चल रहा था और भरे मंच पर इस तरह से विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी का अजीबो गरीब बयान सामने आया है। सड़क से उन्होंने अभिनेत्री हेमा मालिनी की तुलना कर दी। हालांकि मध्य प्रदेश में नया नहीं है, इसके पहले भी जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा जब रहे उन्होंने भी विवादित बयान दिया। खराब सड़कों का वो निरीक्षण करने के लिए जब मध्य प्रदेश में पहुंचे थे तो वहां पर भी उन्होंने इस तरह से शिवराज सिंह चौहान सरकार पर हमला बोला था। कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वदेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएनएस 24/7 पर। और मध्य प्रदेश में अब जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चल क्या रहा है मध्य प्रदेश में? माननीयों के बिगड़ते हुए
बिगड़ते हुए बोल आखिरकार क्यों सुनाई देते हैं। सड़क भूमि पूजन कार्यक्रम चल रहा था और उस दौरान धर्मेंद्र सिंह लोधी का इस तरह से बयान सामने आता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो उन्होंने जो बयान दिया है निश्चित रूप से वे अपने आका से प्रेरित है। आका ने जब आके विदेश में जाके कहा था कि अमेरिका से अच्छी सड़कें हमारी मध्य प्रदेश की है, और अब वो अपनी सांसद भाजपा की हेमा मालिनी के गालों से तुलना कर रहे हैं सड़कों की। मैं समझता हूँ उन्हें इसकर मानी चाहिए कि अपनी ही सांसद महोदया का अपमान कर रहे हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि भाजपा शिवराज और महाराज और नाराज तीन गुटों में बढ़ चुकी है। इनमें सिर्फ डब्बल चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। 2023 में इनकी विदाई तय है। सड़कों की बात करें तो राजधानी में भी ऐसी जगह बता दूं मैं आपको कि सड़कों में गड्ढे हैं, कि गड्ढे में ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। और ये इस तरह के बयान दे करके सुर्खियों में आने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मीडिया हेडलाइन सुर्खियों जरूर बटोल लें, पर जनता सब जानती है आने वाले 2023 के चुनाव में इन्हें सिरे से निकाल देगी और भाजपा के इतने भी विधायक बन जाए। गणेश जी, आप मानते हैं कि इस तरह के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी उनको? जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है। मतलब उन्होंने अपनी अपनी सांसद के मतलब मैं द्वारा नहीं पा रहा हूँ, उससे तुलना किया जाना। आपको वो बयान भी याद होगा स्वदेश जी, जब पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कैलाश विजयवर्गीय को भी कह दिया था कि उनके गालों जैसी सड़कें हैं मध्य प्रदेश की, हेमा मालिनी के गालों की तरह 15 दिन में मैं सड़कें बनवा दूंगा, ये बयान आपको याद है? देखिए मुझे याद तो नहीं है, लेकिन आप जब कह रही हैं तो मैं ये समझ सकता हूँ। नारी सम्मान योजना का माननीय कमलनाथ जी ने चलाई, कांग्रेस का पहला लक्ष्य रहा है कि नारी को सम्मान मिले। देश में पहली प्रधानमंत्री नारी देने का काम कांग्रेस ने किया, 33% आरक्षण देने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है, महिलाओं से तुलना कम से कम ये सड़कों वड़कों की किया जाए ना भाई, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो बड़ा दुर्भाग्य है ये कहना है स्वदेश जी का। हालांकि क्या हो जाता है स्वदेश जी इस तरह से माननीयों के अचानक बोल बिगड़ जाते हैं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, तो नहीं लगता कि जनता देख रही है सुन रही है उन तक क्या मैसेज इस तरह से जाता होगा? बिल्कुल, शुचिता की राजनीति होना चाहिए और मैं समझता हूँ सब समाज में सब पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरह की बयानबाजी करोगे आप तो निश्चित जनता की नजरों से गिरोगे। आपको ऐसी ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए, ऐसे स्लोगन का चयन करना चाहिए जो किसी की भावनाएं आहत न करें। अभी इस तरह के बयान दिए जाना, मैं समझता हूँ ये सुर्खियां बटोरने के अलावा कुछ नजर नहीं आता मुझे। तो शुचिता का ध्यान रखना चाहिए, राजनीति शुचिता में होनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे माननीयों के बोल जरूर बिगड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वदेशी बातचीत करने के लिए।